वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप मेरे सभी वीडियो देख सको। सबसे पहले इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्पोजल डिब्बियों से अमेजिंग से चार नए डिज़ाइन के क्राफ्ट बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें ये लेनी है एक वाइट कलर की डिब्बी। इसमें हमें कटर से कट कर लेना है इसके सर्कल को। देखिए इस प्रकार से, इसका प्लास्टिक सॉफ्ट होता है, आसानी से कट जाएगा। सीजर से भी कट हो सकता है, कटर से भी आसानी से काट सकते हैं इसे। ये देखिए सर्कल को हम साइड में रख देते हैं। इसमें से हम कटर से देखिए इसके स्क्वायर्स कट कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी स्क्वायर्स भी कट कर लेंगे। देखिए स्केच से निशान लगा के या पेन से भी निशान लगा सकते हैं ताकि वो अच्छे बाद में मिट जाए। देखिए इस प्रकार से कट हो गया हमारा। ये इसे हम निशान लगा लेते हैं। 1.5 सेंटीमीटर का मैंने लिया है, आप चाहो तो 2 सेंटीमीटर का भी लगा सकते हो। इसके चारों तरफ हम निशान लगा लेंगे जिससे कि एक स्क्वायर पीस आ जाएगा। देखिए 1.5 सेंटीमीटर का चारों तरफ निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। जिस चारों तरफ से इक्वली होगा ये देखिए कट हो गया हमारा। इसी के अकॉर्डिंग हमें एक और पीस कट करना है। देखिए हम इसमें सुई की हेल्प से छेद कर देंगे, आसानी से छेद हो जाएगा। इसका प्लास्टिक सॉफ्ट है क्योंकि इसी के सामने हमें एक और छेद करना है। देखिए इस प्रकार से, दूसरे वाले में हमें सिर्फ एक ही छेद करना है। देखिए इस प्रकार से, एक में हमें दो करने हैं और एक में हमें सिर्फ एक ही करना है। कॉर्नर को हम थोड़ा हल्का सा गोल कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से, इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सारे कॉर्नर्स को भी कट कर लेंगे। गोलाई की शेप हो जाएगी जो कि ये देखिए इस प्रकार से दिखेंगे। हम इयर रिंग्स की हुक ले लेते हैं और एक मोती डाल देते हैं ऊपर की तरफ, इसको खोल के। ये देखिए इस प्रकार से, अब एक जिसमें हमने दो छेद किए थे उसको हम ऊपर डाल लेते हैं इसमें। देखिए इस प्रकार से बंद कर देते हैं इसके हुक को। एक और हुक ले लेते हैं, इसमें खोल लेते हैं पहले, नीचे वाले में डाल लेते हैं जो हमने छेद किया था। ये देखिए इसमें भी हम इसको फंसा देते हैं। ये देखिए हमारी इयररिंग्स रेडी है। ये देखिए दूसरा इयररिंग्स भी हम ऐसे ही बना लेंगे जो कि मैंने पहले ही बना लिया था। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए हम दूसरी चीज़ बनाने के लिए उसमें एक बूंद शेप में हम डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसको सीधे से कट कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग से कट कर लेते हैं। ये देखिए कट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लैक वाला भी कट करना है। देखिए इसमें से हम कट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा साइज लेना है हमें। देखिए इतना इस प्रकार से दिखेगा। तो ब्लैक वाले में हम सुई से छेद कर लेते हैं ऊपर की साइड। इसके कॉर्नर को भी हम अच्छे से थोड़ा गोलाई में कट कर लेते हैं सीधर से। देखिए कट हो गया, इसको पेस्ट कर देते हैं। वाइट वाला भी हमने कट किया था। देखिए इसको बीच में आराम से आहिस्ते से पेस्ट कर देते हैं ताकि सेंटर में पेस्ट हो जाए। देखिए इस प्रकार से बीच में हम स्टोन पेस्ट कर देते हैं एक ग्लू की हेल्प से। देखिए इस प्रकार हम एक हुक ले लेते हैं, इसमें ऊपर से अटैच कर देते हैं इसको, एक चेन में डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेकलेस रेडी हो गया है।
थर्ड चीज़ बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक सर्कल लेना है जो हमने कट किए थे उसमें से, इसको हम थोड़ा अच्छे से कट कर लेते हैं फिनिशिंग से। देखिए इस प्रकार से वाइट वाला भी जो था हमारा वो भी इस प्रकार से कट कर लेंगे हम। दोनों को हम अटैच कर देते हैं एक साथ, ग्लू के हेल्प से पेस्ट कर देते हैं। देखिए एक साइड से मोती लगा देते हैं इसमें। ये दूसरी साइड भी हम मोती लगा देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम दो और मोती लगा देते हैं नीचे की साइड। देखिए इस प्रकार से हमें फोटो लेनी है। बीच वाला जो सर्कल था हमारा ब्लैक वाला, उसी के साइज के अकॉर्डिंग इसमें हम ग्लू लगा के उसको पेस्ट कर देंगे फोटो के ऊपर। देखिए आराम से आहिस्ते से पेस्ट कर देंगे ताकि अच्छे से सेंटर में पेस्ट हो। हम धागा और पेपर ले लेते हैं, कि धागा पेस्ट कर देते हैं उसमें। पीछे से पेपर लग जाएगा तो अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा धागे को, पेस्ट हो जाएगा ये। देखिए फ्रेंड्स हमारे ब्यूटीफुल से फोटो फ्रेम भी रेडी है इससे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए चौथी चीज़ बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए। फैब्रिक लेना है हमें, फैब्रिक के चारों तरफ लपेटना है। देखिए इस प्रकार से ग्लू लगा के पहले पेस्ट कर लेती है। इसको पेस्ट कर देते हैं और आहिस्ते आहिस्ते से घुमाते घुमाते हम इसको इस प्रकार से अच्छे से घुमाते जाएंगे। इसको कट करके इसको पेस्ट कर देंगे हम। देखिए इसके फैब्रिक को थोड़ा मोड़ के पेस्ट करें ताकि इसके रेशे नहीं दिखेंगे। देखिए इस प्रकार से ऊपर वाले हिस्से को भी हम कट कर देते हैं चारों तरफ से, बीच बीच में कट लगा के ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ये ग्लू लगा के हम पेस्ट कर देते हैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके। देखिए इस प्रकार से इसी प्रकार से हम पीछे वाला पार्ट है उसको भी पेस्ट कर देंगे कट करके। देखिए हम इसमें ग्लू लगा के ऊपर से फैब्रिक लगा देते हैं इसी कलर का ही, जिससे कि पीछे का पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा हमारा। देखिए इस प्रकार से इसमें अंदर के लिए हम एक फैब्रिक लेते हैं इसी कलर का ही, उसको इसके चारों तरफ से पहले लपेट के इसके साइज का फैब्रिक कट कर लेते हैं। देखिए हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे अब उसी के साइज का, आराम से आसानी से पेस्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आहिस्ते आहिस्ते से इसके साइड साइड में लगा लेते हैं पहले, अंदर वाला वो पेस्ट हो जाएगा फिर। देखिए इसी प्रकार से हम पेस्ट करते जाएंगे, अंदर वाले को अच्छे से पुश करते हुए पेस्ट कर देंगे, अच्छे से चिपक जाएगा। देखिए इस प्रकार से दिखी गई है। ऊपर के पार्ट में हम लेस लगा लेंगे जिससे कि अच्छा लुक आएगा और ये कवर हो जाएगा पार्ट जो फैब्रिक का दिख रहा है। यूज़ हम अपने किचन में भी कर सकते हैं स्पून्स वगैरह रखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए आज जो हमने चार चीज़ें बनाई है, एयरिंग्स, नेकलेस, फोटो फ्रेम, अपना सामान रखने के लिए एक बॉक्स। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप मेरे सभी वीडियो देख सको।
Thanks for watching.